गंभीर समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी है। कुपोषण यानी कमजोर या बच्चों के विकास और वृद्धि को बाधित करता है। यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। याद रखिए, 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को कुपोषण होने की अधिक संभावना हो सकती है। हमें कुपोषित बच्चों को ऐसा आहार खिलाने की जरूरत है जिसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व हो। आइए हमारे घर में मौजूद सामग्री से कुछ पौष्टिक आहार बनाने की विधि सीखें। आइए हम जोड़े का पोषक नाश्ता बनाने की विधि सीखें। चूड़े का पोषक नाश्ता की सामग्री है चूड़ा 250 ग्राम, आलू 250 ग्राम, कटा हुआ गाजर 100 ग्राम, 2 टहनी सहजन का पत्ता लेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मसाला आवश्यकता अनुसार, घी या तेल 2 चम्मच, मूंगफली कूटी हुई 50 ग्राम। अब आइए हम इसे बनाने की विधि सीखते हैं। सबसे पहले 2 ग्लास गरम पानी कर लेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब इस गर्म पानी में हम चूड़े को डाल देंगे। उसके बाद हम उस चूड़े को एक बर्तन में ठंडे पानी लेंगे और उसमें हम निकाल देंगे। हम ठंडे पानी से 5 मिनट के बाद चूड़े को एक बर्तन पर 10 मिनट के लिए फैला दें। जब तक चूड़ा 10 मिनट के लिए ठंडा हो रहा है, हम इतने समय में गाजर और आलू को जो बॉईल किए थे उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इस चूड़े में जो हम फैलाए थे 10 मिनट के लिए, उसमें हम कटा हुआ घिसा हुआ गाजर आलू को सान देंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता काटा हुआ डालेंगे, फिर सहजन का पत्ता डालेंगे, मूंगफली जिसे हमने कूट कर रखा था उसे डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक आवश्यकतानुसार डालेंगे, फिर से मिला लेंगे सारी चीजों को। अब इस मिश्रण का हम छोटा छोटा टिक्की बना लेंगे। अब हम चूल्हे पर तावा को चढ़ा लेंगे। जब तावा गर्म हो जाएगा तब उसमें हम तेल या घी डालेंगे। उसके बाद उस गर्म तेल पे हम टिक्की को डालेंगे। अब इस टिक्की को हम दूसरे तरफ से भी पका लेंगे। अब इस पोषक तत्व से भरपूर नाश्ते को अपने बच्चे को खिलाएं। आपका बच्चा रहेगा स्वस्थ।